देखो एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर था, स्फीयर बॉल की तरह से गोल ऐसा ऐसा, ठीक है, जैसे ग्लोब होता है वैसा, और उसका रेडियस आर था, उसमें से आर बाई टू रेडियस का कोई पार्ट काट के निकाल दिया गया, ठीक है। मतलब ये कि मेरे पास एक गोल बॉल था, ठीक है, उस गोल बॉल का रेडियस मान लो आर था, ठीक है, ये आर रेडियस था, इस आर रेडियस, देखो ये जो आर रेडियस था इसमें आर बाई टू रेडियस था, मतलब उस रेडियस का आधा, अगर ये रेडियस था तो इतने रेडियस का एक स्फीयर को काट के निकाल दिया। इस बड़े वाले स्फीयर में से उसके रेडियस के डायमीटर इतना बड़ा, बड़े वाले स्फीयर, स्फीयर मतलब ऐसा गोल बॉल, गोल बॉल, गोल बॉल, आर रेडियस के स्फीयर में से सॉलिड स्फीयर है, मतलब अंदर में भी मास है, बॉल की तरह खोखला नहीं है, अर्थ की तरह है, नीचे भी मिट्टी है, खोखला नहीं है, ठीक है। तो इसमें से आर रेडियस इतना डायमीटर का एक छोटा सा स्फीयर काट के निकाल दिए, और पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। देखो अभी ये काट के निकाल दिए, हटा दिए, तो अभी जो बचा कुछ ऐसा बचा, ये खाली जगह है, यहां मास नहीं है, कितने में मास है, तो अब ये जो बचा है ये पार्ट, इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास कितना, पहले पूरा जब ऐसा स्फीयर था तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां था, समझ में आ रहा है, अभी उसमें से ये जो निकाले इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, अब जो बचा, जो बचा उसका सेंटर ऑफ मास कहां है, यही क्वेश्चन पूछा। एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेस करेगा, वापस बोलो, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेस करेगा, जिसपे कर क्वेश्चन, वो तो एक्सिस तो मैंने मान लिया फ्रेंड। देखो हम थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा दिमाग लगाए, और ऐसा कहे कि ये जो कंप्लीट स्फीयर था जिसमें सब एक छोटा सा पार्ट काट के निकाले हैं, ये जो कंप्लीट स्फीयर था, उस स्फीयर को हम दो स्फीयर के सम के रूप में याद कर सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो एक कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा, ऐसा बनेगा, इसको यहां जाके चिपका देंगे तो ऐसा बन जाएगा। मतलब ये कि इसका सेंटर ऑफ मास जो कहीं भी हो, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं भी हो, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे है, इसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही है, मतलब ये कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मिलके यहां सेंटर ऑफ मास बना रहा था, क्योंकि इन दोनों को जब मिला दिया तो कुछ ऐसा बन गया उसका सेंटर ऑफ मास यहां है, ठीक। अभी देखो थोड़ा सा दिमाग और लगाए, और अभी अभी थोड़ा देर पहले, अभी अभी नहीं मतलब लास्ट क्लास में हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर हम ऑरिजिन को मान ले सेंटर ऑफ मास नहीं, अगर हम सेंटर ऑफ मास पे ही ऑरिजिन को माने तो मोमेंट ऑफ मास बराबर होता था, सॉरी कॉन्स्टेंट होता था, है ना, सम कॉन्स्टेंट होता था जीरो के बराबर। मतलब ये कि इसका जो भी मास हो, एम मान लेते मास, एम वन मान लेते इस पूरे का मास, इसको हटा के एम वन, और ये सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल था, और इसका जो बचा वाला पार्ट था उसका सेंटर ऑफ मास जहां भी हो उसका दूरी एक्स होगा, ठीक। मतलब ये कि जो बचा पार्ट उसका मास एम वन, और इसका सेंटर ऑफ मास जहां भी हो, इस सेंटर से जहां भी उसको एक्स वन मान रहा है, एक्स वन, ठीक, और इसका मास जो भी हो उसको एम टू बोल रहे हैं, और इसका दूरी सेंटर ऑफ मास से ये होगा आर बाई टू, आर बाई टू अगर ये है तो ये भी तो आर बाई टू ही होगा, और ये सेंटर था ओरिजिनल तो इससे इसका सेंटर ऑफ मास का दूरी कितना, आर बाई टू, इन दोनों का प्रोडक्ट का सम जीरो होगा। लास्ट क्लास में देखिए हम लोग ऐसा पढ़े थे, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो पढ़े थे, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो ऐसा पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, पढ़े थे, क्या समझ में एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो देखो है कॉपी में, तो है वो क्या था एक्चुअली, अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, ये एम वन है, ये एम टू है, तो ये एक्स वन है और ये एक्स टू है, और इसको अगर हम जीरो जीरो पे मान ले, ऐसा माने थे तो एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू जीरो के बराबर हुआ, ऐसा हम लोग पढ़े थे। अभी देखो आप इसी में देखो, ज्यादा जगह नहीं घूमते, इसी में देखते,
ज्यादा घूमेंगे बहुत ज्यादा टेंशन होगा, इसी में देखते हैं। देखो ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका मास मान लिया एम वन, ठीक है रिमेनिंग पार्ट का, और उसका सेंटर ऑफ मास मान लो रिमेनिंग पार्ट का यहां आया, तो इस सेंटर से दूरी कितना एक्स वन मान लिया। देखो ये ओरिजिनल सेंटर था, ये ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास था कंप्लीट का, उससे दूरी एक्स वन मान लिया, इसका मास मान लो एम टू और ये दूरी आर टू, तो ऐसा नहीं कर सकते एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो होगा, बस यही बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे। अभी देखो इसका मास हमें पता है क्या, कुछ मास वास दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, चलो इसका मास हम एम मान लेते हैं टोटल का, हाँ टोटल का इसका मान लेते हैं, ऐसा लिखने के बजाय यही लिखते हैं इसका मास एम है और इस पूरे का रेडियस आर है। चलो अभी देखो जरा, अगर एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब ठीक है, एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा ये स्फीयर का डेंसिटी तो कॉन्स्टेंट ही है, इसको यहां लिख सकते हैं मास बाय डेंसिटी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब बोल सकते हैं, यहां से साफ साफ दिख रहा है मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, दिख रहा है दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो आप ये देख पा रहे होंगे इसका मास कितना होगा, ये काट के निकाले इसका मास कितना होगा, तो साफ साफ दिख रहा है मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, देखो इसका रेडियस आर था तो मास कितना है एम, तो अगर रेडियस आर बाई टू हो जाए तो मास कितना हो जाएगा उसका क्यूब के बराबर, मतलब कितना आर क्यूब बाई एट, आर क्यूब बाई एट, अभी साफ साफ देख पा रहे हो आर क्यूब का मास एम था, यहां तो आर क्यूब बाई एट है तो मास में कितना हो जाएगा एम बाई एट, मतलब इसका मास कितना होगा एम बाई एट, कैसे निकाले समझे मास का डिस्ट्रीब्यूशन आर के क्यूब पे, क्योंकि वॉल्यूम का बात हो रहा है यूनिफॉर्म सॉलिड्स का, अगर हम डिस्क का बात करते हैं बोलते हैं डिस्क है डिस्क ऐसा सीडी देखे कैसे डीवीडी होता था डिस्क, उसमें जो मास होता है वो एरिया में डिवाइड होता है, उसका वॉल्यूम होता है क्या विड्थ होता है अंदर में कुछ होता है नहीं एकदम फ्लैट होता है, तो उसका वॉल्यूम एरिया पर डिपेंड होता है क्योंकि पाई आर स्क्वायर, तो मास इस पर डिपेंडेंट है आर के स्क्वायर पे, यहां वॉल्यूम पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इसीलिए मास किस पर डिपेंडेंट है आर के क्यूब पे, तो ये दिमाग में रखना। यही क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, एक बार कभी डिस्क देगा या स्फीयर देगा, ठीक है स्फीयर दिया तो वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो मास आर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, और अगर एरिया दिया तो मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आर के स्क्वायर पे, ठीक है अगर मान लो यही एरिया दिया होता तो बोलते कि एम इज डायरेक्टली टू आर का स्क्वायर, तो बोलते कि अच्छा रेडियस हाफ हो गया ना, रेडियस हाफ हो गया तो मास पे फर्क क्या पड़ेगा, तो आर स्क्वायर बाई फोर, मतलब मास कितना हो जाएगा एम बाई फोर हो जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम था इसलिए एम बाई एट हुआ, इसको हटा रहा हूं ठीक है, तो मास एम बाई एट आगे यही सॉल्व कर लेता हूं। अब बस देख लो ये दूरी हमें पता नहीं, यही तो हमें निकालना है कि एक्स वन कितना होगा, यही निकालना है ना, यही निकालना। अच्छा इसको क्या माने दो सेंट्रल मास को जीरो जीरो, तो अच्छा इसका मास कितना, देखो ना टोटल मास एम था, टोटल मास स्क्वायर का कितना था एम, उसमें से एम बाई एट निकाल लिए तो बचा कितना सेवन एम बाई एट, सॉल्व करके देख सकते हो ठीक है। देखो ना यहाँ डिनोमीटर सेम है, इसको जरा ऐड करो माना चाहिए डिनोमीटर सेम आठ आठ सेम, तो सेवन नंबर सेम, ये एट एम एट एट करके बचा कितना
समझे नहीं समझे? इसको ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 7m/8 m/8। देखो इसको बस माइनस वाले को इधर रखते हैं प्लस में, देखो डिनोमिनेटर से ऊपर वाला ऐड होगा तो 7m + m क्या हो जाएगा 8m और बाई 8m आया, दोनों बराबर देखे तो सही है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, शुरू में भी बोले थे कि सबसे टेढ़ा चैप्टर यही पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन सबसे टेढ़ा। इसके इसके बाद अब जो कुछ भी पढ़ेंगे इससे तो आसानी होगा, सबसे कॉम्प्लेक्स पड़ेगा। अभी दिमाग पे झटका लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा फिजिक्स क्या है। खैर इसका मास कितना है, अब जो कट आउट निकाले उसका मास FIA निकाल लिया, जो बचा उसका मास कितना, दोनों का टोटल सम मास कितना दिया हुआ था एम, तो चलो इस एम वन का वैल्यू पता चले कितना 8 इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास x1 निकालना है प्लस इसका मास m/8 और डिस्टेंस इसका सेंटर ऑफ मास है r/2 सब तो जीरो ही होना, तो चुपचाप बस एड सॉल्व तो करना है 7m/8 x1 = -ऑफ m r/16 होगा, mr/16 को इधर लगेगा तो माइनस में आ गया। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2, ये m से ये m गया, क्या बचा x1 = -r/14। ठीक है, 7 इधर गया तो 14 हो गया, 7 × 2 = 14, x1 छोड़ दिया इधर ही, -r/14। अच्छा ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि इस वाले से इस तरफ, मतलब इस एक्शन का वैल्यू कितना है r/14, इधर से इधर का दूरी कितना r/2, इधर कितना दूरी होगा r/14। देखो ये अगला क्वेश्चन था, एक क्यूब है जिसका मास m और साइड r है, ठीक है मास m और साइड r, और इसमें से भी r/2 रेडियस का एक स्फीयर को बाहर निकालिए काट के, आपको अगेन रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। वापस से वही बात, इसमें भी ये सॉलिड है, क्यूब हॉलो नहीं सॉलिड है, ठीक है ये सॉलिड है तो इसका जो भी मास होगा किस पे डिपेंडेंट होगा, वॉल्यूम पे, जाहिर सी बात है मास इज लाइकली टू आर क्यूब होता है ना, साइड वॉल्यूम है तो आर क्यूब होगा, इसका इसके लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए इसका बात ही करें, स्फीयर के लिए बिल्कुल वही आएगा, तो जो कटआउट पोर्शन है ये जो स्फीयर को काट के निकाले उसका मास कितना होगा, तो जाहिर सी बात है r/2 का क्यूब मतलब r³/8 मतलब कि m/8 मास होगा, इसका मास कितना होगा m/8, तो जो बचा उसका मास कितना होगा, टोटल का मास m था और इसका जो काट के निकाले उसका मास m/8 है, तो वापस से 7m/8 होगा बचा हुआ का मास, फिर से प्रणाम दोनों को जोड़ दे तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे होगा, हम उसी सेंटर को ऑरिजिन मान लिए, तो जो बचा हुआ पार्ट का सेंटर ऑफ मास मान लो यहां होता, मान लो यहां होता ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस अपने को पता है r/2, इसका मास अपने को पता है m/8, इसका मास अभी अपने हमने निकाला 7m/8, वापस से वही तरीका 7m/8 × x1 + m/8 × r/2 = 0, ऐसा क्यों बोले क्योंकि हमने इसको ऑरिजिन पे मान लिया। ठीक है, उसके बाद तो एग्जैक्टली पिछला वाला क्वेश्चन बन गया, सॉल्व करेंगे 7 से r/14 माइनस में, जो कि बताएगा कि जिस डायरेक्शन में ये सेंटर ऑफ मास था उससे जस्ट ऑपोजिट साइड में इसे चल रहा था, समझे नहीं समझे, मतलब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी है हाँ। तो हमको लगा तो पहले ही ये बड़े वाले क्यूब पे किया, लेकिन जो कट हो रहा है उसका बड़े वाले पे हो चाहे छोटे वाले पे, वॉल्यूम पे हमेशा ही होता है, तो वॉल्यूम पे हम यहाँ पे क्यूब पे कर रहे हैं, क्यूब पे ऐसे एक क्यूब होता है, एक क्यूब होता है हाँ, तो औसत भी ये तो आ ही है, तो फिर तुम इसका आगे ना पता, इसका आगे ना पता, इसका जब तुम आर करोगे तो तुम पूरे का निकालोगे, हमको तो इस रिमेनिंग पार्ट का मास चाहिए, लगा था कि वो आप पूरे वाले के पार्ट के निकालते हैं उसका
और उसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, क्योंकि जो कट के निकाले वो यूनिफॉर्म नहीं ना है, उसमें से तुम कुछ काट के निकाले भी हो, यूनिफॉर्म मतलब तुम निकाल भी लेते हो, यूनिफॉर्म नहीं है। अभी ठीक है, आसान है, पॉज करो, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो एक स्क्वायर लैमिना है, स्क्वायर लैमिना इन द सेंस स्क्वायर सीट है, ठीक है, एक बिल्कुल अपने पेज की तरह, कोई स्क्वायर कॉपी उसका पेज की तरह। तो उस स्क्वायर लैमिना का मास है, साइड आर है, उसमें से आप एक आर बाय टू रेडियस का सर्कल काट के निकाल दिए। देखो ये 2D फिगर है, 2D बोर्ड की तरह, बोर्ड इज स्क्वायर रेक्टेंगुलर लैमिना, जो बोर्ड है ये रेक्टेंगुलर लैमिना है। अगर इसी पे हम ऐसा बना देते एक क्यूबॉइड तो इसको रेक्टेंगुलर लैमिना नहीं बोलते, फिर ये 3D फिगर होता। 3D फिगर में मास वॉल्यूम पर डिपेंडेंट होता है, 2D फिगर में इसके पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो, जिसके पास लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों, जैसे ये 3D फिगर, जिसके पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो वो 2D फिगर। 2D फिगर में मास रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंडेंट होता है, 3D फिगर में मास रेडियस के क्यूब पर डिपेंडेंट होता है। तो यहां सीधा रेडियस के स्क्वायर पे साफ साफ दिख रहा है 2D फिगर है, तो आर बाई टू का स्क्वायर आर स्क्वायर बाई फोर, मतलब मास कितना हो जाएगा एम बाई फोर, इसका मास एम बाई फोर, टोटल का मास एम था, तो इसका रिमेनिंग का मास एम माइनस एम बाई फोर इज इक्वल टू 3m/4। अभी तो कुछ है नहीं, 3m/4 इंटू एक्स वन प्लस, अभी अभी देखो तो एक बार और हमको बता, अब प्लस क्यों लिखे, सीधा इसे लिख सकते इज इक्वल टू माइनस एम बाई फोर इंटू आर बाई टू, क्योंकि ऐसे भी प्लस लिखे जीरो करेंगे उधर जाएगा माइनस करेंगे, डायरेक्ट करेंगे इससे कौन घटा लिए, चलो एम से एम उड़ाओ, चार से चार उड़ाओ, एक्स वन इज इक्वल टू आर बाय सिक्स माइनस। अभी ठीक है, और अब तो अब दो से में बन गया, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक जितना हो गया ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में जानेंगे। सेंटर ऑफ मास कुछ स्पेशल फिगर्स का हमें याद रखना है, ठीक है, जैसे आपको जो पैकेज हम दिए हैं उसमें पेज नंबर 2 में देखिएगा, पेज नंबर 2 में हाफ रिंग और हाफ डिस्क, मतलब सेमी सर्कुलर रिंग का और सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास आपको याद रखना है। तो पहले लिखिएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, दो लाइन लिखी लेते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क 4r/3π होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क 4r/3π कुछ ऐसा। और याद रखिएगा उसका सेंटर ऑफ मास होता है ना वो वाई की तरफ होता है, देखो अगर डिस्क ऐसा है, अगर ये ऐसा डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ, देखो सेमी सर्कुलर मतलब आधा, तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पड़ेगा, यहां से 4r/3π की दूरी पे होगा ये डिस्टेंस का, ठीक है 4r/3π। उसी तरह अगला लिखेगा सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग, इसका डेरिवेशन भी है बहुत टेढ़ा है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग लिखिएगा वाईसी इज इक्वल टू 2r/π, वाईसी मतलब सेम इसी तरह यहां पे भी सेंटर ऑफ मास वाईसीएम की तरफ ही होगा, एक्स में नहीं होगा, सेमी सर्कुलर रिंग वाईसीएम इज इक्वल टू 2r/π, YCM is equal to (coughs) 2r/π। हो गया, चलो और सुनो, हो गया। अभी देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जैसे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन देखे,
अभी जो पोजीशन वाला इक्वेशन निकाले थे ना, आर सी एम इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री प्लस डॉट 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 बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर प्लस डॉट 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 डॉट, उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो वी मिल जाएगा। एक्चुअली में इसका डायरेक्शन वैसे ही होता है, उसका टेंशन नहीं लेने का। सेम देखो बी सी एम है तो एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू प्लस एम थ्री बी थ्री, बाकी सब सेम है। अच्छा अगर इस सारे मास को इस तरह मल्टीप्लाई करें तो मोमेंटम बनेगा। देखो तो एम वन बी मोमेंटम ऑफ वन कुछ नहीं, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, बाकी सब सेम है। और इस मास को इस ए में मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, फोर्स है। तो ऐसा बोल सकते हैं फोर्स एट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू फोर्स ऑफ वन प्लस फोर्स ऑफ टू प्लस फोर्स ऑफ थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है सर, देखो ये प्लैंक है, प्लैंक मतलब एक जो बोलो कि ऊड का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ एक बेड टाइप का, ठीक है। यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, सबसे खास बात एक आदमी यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक। तो पहला ऑप्शन पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, आदमी प्लैंक के हिसाब से कितना चला, एल चला। देखो आदमी यहां से हो गया ना, एल डिस्प्लेसमेंट किया क्योंकि प्लैंक का लेंथ कितना है एल। अच्छा डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू मैन, देखो आदमी आगे जा रहा है तो आदमी के हिसाब से प्लैंक को पूछा जा रहा है। निकालने का मतलब है कि हम यहां थे, हम यहां से चल के अगर यहां आ जाए तो जमीन के हिसाब से हम आगे बढ़े, बट मेरे हिसाब से तो जमीन पीछे छूट रहा है, तो मेरे हिसाब से जमीन पीछे जा रहा है, समझे, माइनस है। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसका डिस्प्लेसमेंट पूछना है, पूछा है मैन का, ट्रिक बता रहा हूं सीधा, जिसका पूछा है उसके दूसरे वाले का मास लो, जिसका पूछा है दूसरे वाले का मास, मान लो इसका मास कैपिटल है, मैन का मास स्मॉल है, किसका पूछा है, मैन का पूछा है ना। देखो ध्यान रखना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रिक बता रहे, मैन का पूछा है तो प्लैंक का मास लो बाय टोटल मास, दोनों को जोड़ दो इनटू डिस्टेंस। यहां पे किसका पूछा है, स्टूडेंट किसके रिस्पेक्ट में, प्लैंक का पूछा, दूसरे वाले का मास लो टोटल मास इनटू डिस्टेंस कर दो। समझ नहीं आ रहा, इसका लंबा सा डेरिवेशन हमको आंसर समझ में आया। जब भी किसी एक एक के ऊपर एक क्वेश्चन होता क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहां चला, मैं क्यों नहीं चला, आदमी यहां से यहां चल गया तो यहां प्लैंक पे ना चला, हां तो प्लैंक पे चला ना, रिस्पेक्ट का मतलब उसके ऊपर थोड़े ना होता, उसके हिसाब से होता है, एक पॉइंट के हिसाब से। हाँ मतलब मतलब ये कि इसी ग्राउंड पे एक आदमी यहाँ खड़ा, तुम यहाँ खड़े हो, तुमसे पूछे कि ये आदमी यहाँ से यहाँ गया तो कितना चला, इतना चला, ठीक है, डायरेक्ट एल भी तो बोल सकते कितना एल नहीं यार लेना चलेगा, ये यहाँ से यहाँ गया, ये भी तो पीछे गया, तो मिला जुला के थोड़ा कम चला, एल नहीं चल रहा ऐसे थोड़ा कम चला, देखो ना एल से कम चला है, देखा ये आगे गया आदमी आगे गया लेकिन प्लान पीछे आया, फ्रिक्शन नहीं है, तभी तो प्लान पीछे आ रहा है, क्योंकि देखो हम आगे चलने के लिए इस जमीन पे पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, और अगर जमीन के ऊपर कुछ और हो जैसे मान लो ये आदमी आगे नहीं चलेगा, आदमी इस प्लान पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, मतलब फोर्स लगाएगा, और ये प्लान आदमी के आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, तो आदमी आगे बढ़ गया और ये प्लान की तरफ पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या ये जो फोर्स लग रहा है बैलेंस हो पाएगा, नहीं, ये प्लैंक पीछे जाएगा, ये पीछे जाएगा तो नहीं होगा, सिर्फ सेम हो जाता, ठीक है, दैट्स इट, आज के लिए इतना है, बंद कर दो।